तो देखिए ये है 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के द्वारा आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यही आपने चैप्टर 2 में भी किया था और 9th क्लास में भी आप फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो कैसे फैक्टर आप बनाएंगे इनके, तो सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके फैक्टर बनाने वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसकी हम इससे इंटू करते हैं 1 × 10, तो इंटू करके हमें 10 लाना है, प्लस माइनस करके हमें 3 लाना है। तो इसका मतलब ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें इंटू करें तो 10 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो वो होंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 5 और माइनस 5x प्लस 2x ये होंगे उसके फैक्टर। अब इन्हें बस आपको सॉल्व कर लेना है। कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 जो है ये कॉमन है दोनों ही टर्म्स में, तो इसका मतलब x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना x और बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब इन्हें बारी बारी आप 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। एक बार आपको इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखना है तो x की वैल्यू यहां से माइनस 2 मिल जाएगी। तो यही आपके पास सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे ही अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी फैक्टर 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 और 3 इसके फैक्टर होंगे। तो अब बस कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन है, x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और यहाँ होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसे 0 के बराबर रखें, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 होगी। और फिर एक बार आप यहाँ भी वही करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 होगी। तो ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा फैक्टर फॉर्म्ड कर लिए। अब ऐसे इसके भी फैक्टर करने हैं। जब यहाँ पे रूट 2 इंटू 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 मतलब 10, इंटू करके 10 लाना है, प्लस माइनस करें तो 7 लाना है। तो देखिए क्या होंगे इसके फैक्टर, 2x रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो देखिए 5 और 2 7 होगा, इंटू प्लस करके 7 होगा और इंटू करेंगे तो 10 होगा। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा इसके फैक्टर। अब इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन कैसे ले पाएंगे, रूट 2x स्क्वायर, 2 का मतलब देखिए 2 जो है इसका मतलब है इस 2 के पास रूट 2 दो फैक्टर हैं, तो 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, 5x, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए कितना, 5 कॉमन है तो x प्लस रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं रूट 2x, तो बचेगा आपके पास x प्लस रूट 2, क्योंकि आपने रूट 2x कॉमन लिया, रूट 2 बाहर हुआ, तो कितना 1x यहाँ से बचा, यहाँ से बचेगा कितना केवल रूट 2 और 5x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए x प्लस रूट 2 रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इनको बारी बारी 0 के बराबर रख लीजिए, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का रूट 2 आ जाएगी। और एक बार आपको रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखना है, तो रूट 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 बाई रूट 2, एक ये सॉल्यूशन होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, बाकी फिर आगे समझेंगे। तो देखिए ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को भी जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है ये अपॉन जो है यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, इसका मतलब एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम होगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 होंगे। 8 को 0 की साइड शिफ्ट कर दीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 उस साइड जाएगा, तो ये 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 0 ही लिख लीजिए। अब इसके फैक्टर बनाइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा, इंटू करके 16 लाना है, प्लस माइनस करें तो 4 लाना है। तो ये होंगे इसके फैक्टर, 16x स्क्वायर माइनस का 4x
माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन लेना है तो वो आप बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हैं। ऐसे इसके फैक्टर बनाने हैं, इनटू करके 100 आए, प्लस माइनस करें तो 20 आए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 100x स्क्वायर 10x माइनस 10x, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आपको यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ पे आपको इसके फैक्टर फॉर्म्ड कर लेने हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल के सभी क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने हैं, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन।